अच्छा लगेगा। देखो मेरे पास इतना माशाल्लाह स्मार्ट मॉडल है, तो मैं क्यों ना एक्सपेरिमेंट करूं जो हर चीज इतने अच्छे से कैरी कर लेते हैं। पर ये तो 5 मीटर है ही नहीं, इसे कुर्ते का कपड़ा नहीं, ये 5.80 है। कुर्ता सलवार दोनों बन जाएगा? हाँ। I doubt. वो कपड़ा पतला है ना बेटा। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो जमील भाई बोलने की मांग नहीं बनेगा। इसका पूरा पठानी अजीब ना लगे? बहुत स्मार्ट लगेगा। आपने वो जब मैं ब्लैक का बनवाया था तब भी आपने बोला था कि अजीब लगेगा डिप्पी, लेकिन जब मैंने बनाया तो अच्छा लगा ना? लगा कि नहीं लगा? लगा। तो ये जो आपने रात की क्लिप देखी, ये कल रात की थी जब ये लोग नीचे अपने कूलर में बैठे थे, और मुझे लगा कि ये बात तो आपको जरूर जाननी चाहिए। सो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में, इफ्तारी की तैयारी ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। ये बन रही है मेरी चाय, और ये है शोएब की सब्जी जो ज्वारी की रोटी के साथ खाएंगे। ये ऑयल गरम हो रहा है अम्मी और के पापड़ के लिए, तो चाय में मैं ये सब डालती हूँ। हालांकि हम चाय बाद में पीते हैं, लेकिन मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ। सो ये देखिए, जिसकी पसंद की चीज निकाली वो आ गया। ये पसंद है ना? सो ये रेहान और सबा के फेवरेट है, दोनों के, रिजा को भी अच्छे लगते हैं। हाँ, तो तीनों बच्चों को ये फेवरेट है, तो इसीलिए मैं ये हर रमजान में स्पेशली इन लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो चलिए, मैं कल गई थी लेके आई, तो आज इनके लिए इतना ट्राई करते हैं बात। सो आज है दूसरा रोजा, और आज मैं काफी बेटर फील कर रही हूँ। आपने शेयर की ब्लॉग में देखा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि दीपिका जो है वो सिर्फ एक एक्टिंग करती है मुस्लिम होने की, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। वो सच में ही जो मुस्लिम लोग रूल्स फॉलो करते हैं वो सब रूल्स फॉलो करती हैं, रोज़े भी रखती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, और ये सब कुछ उन्होंने अपने ससुराल में आके सीखा, और दीपिका एक सच्ची मुसलमान भी है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।